कश्मीर में चुनाव शुरू हो गए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इन चुनाव को और जनता के जो सवाल हैं, क्योंकि आप तो लंबे समय से यहीं पर हैं और जनता का रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं। बहुत गुस्सा है कश्मीर में इस समय, और ख़ास तौर से पहली बार मैंने देखा, मैं कई इलेक्शंस में आई हूँ, पहली बार बीजेपी के मोदी के पोस्टर्स इस तरह से लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। तो कश्मीर के हालात पॉलिटिकल सीन में आप कैसे देखते हैं अभी? देखिए, जहाँ तक सियासी सूरत हाल का ताल्लुक है, और अभी जैसा कि आपने ज़िक्र किया, चुनाव हो रहे हैं यहाँ भी मुल्क के दीगर रियासतों की तरह पार्लियामेंट के लिए, और फिर आपने ये भी कहा कि गुस्सा बहुत है, और फिर इस गुस्से में मोदी के पोस्टर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये एक पूरी कहानी, एक सिलसिला है। कश्मीर की दर्द, कश्मीर के मसाइल, कश्मीर की मुश्किलात नए नहीं हैं, इनके रूट्स तारीख में हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से ही यहाँ बेचैनी सियासी सतह पर एक्सप्रेस होती रही। लेकिन जब से मोदी सरकार आ गई 2014 में, तब से लेकर आज तक ये जो बेचैनी है या गुस्सा है लोगों में, ये एक नया फेज़ है कड़वाहट का, और इसके असबाब हैं, रीजंस हैं। पहले भी ऐसा नहीं कि जो भी सरकार रही दिल्ली में, उन्होंने कश्मीरी आवाम के साथ, उनके जज्बात के साथ पूरे तौर पर इंसाफ किया नहीं। और यही वजह है कि जहाँ तक जमहूरी अमल का ताल्लुक है, इंतखाबी अमल का ताल्लुक है, कश्मीर बहुत दूर रहा कई साल, लंबे अरसे तक। और जहाँ तक जमहूरियत का ताल्लुक है, डेमोक्रेटिक वट एवर इज़ अवेलेबल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ वादी में शायद बानहाल तक ही रुक जाती थी, बानहाल से यहाँ उसमें रुकावटें डाली गई, डालते गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार, मौजूदा बीजेपी सरकार आई, तब से ये सिर्फ़ जमहूरियत को डिनाई करने का सवाल ही नहीं रहा, ये सिर्फ ये सवाल नहीं रहा कि कश्मीर के मसाइल को पूरे तौर पर समझा ही नहीं गया, बल्कि अमलन अगर आप देख लेंगे, किसी शहरी से भी आप पूछ लेंगे, जैसे लग रहा है कि कश्मीर को सज़ा दी जा रही है जानबूझकर, कश्मीरियों को दबाया जा रहा है जानबूझकर। ये एक मैसेज है हर घर में, गांवों में, दूर दराज इलाकों में, शहर में, कस्बों में। वैसे हमें कोई इस बारे में कोई गुमान भी नहीं है कि कहीं इंसाफ मिलेगा मोदी जैसे या बीजेपी जैसे प्लेटफार्म से, कहीं पर भी मुल्क के हिस्से में माइनॉरिटीज़ हूँ, दलित्स हूँ, या और जो ओप्रेस्ड एक्सप्लॉइटेड सेक्शंस, किसान हूँ, युवा पीढ़ी हूँ, नौजवान हूँ, अवरते हूँ, हमें वो गलतफहमी नहीं है। लेकिन कश्मीर को के साथ ऐसा वर्ताव किया गया, किया जा रहा है, जैसे लग रहा है कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है, जैसे लग रहा है कश्मीर को वोट की खातिर इस्तेमाल करना ही है, और इसकी अहमियत इसी हद तक है। अभी आपने देखा होगा कि पुलवामा का जो सानिहा ट्रेजेडी, उसको किस ढंग से वोट की खातिर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई ये सवाल उनसे ये पूछे कि जब से मोदी सरकार आ गई है, तब से लेकर आज तक कितनी वारदातें हुई हैं यहाँ कश्मीर में। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2014 से पहले यहाँ वारदातें नहीं होती थी, लेकिन
2014 के बाद मोदी साहब ने कहा था कि अमन की बहाली के लिए काम कर लेंगे, लेकिन रिकॉर्ड उनका क्या बता रहा है? जो वायलेंट इंसिडेंट्स हैं, जिन्हें वो उर्फ आम में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कहते हैं, मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, कितनी हुई? कई गुना इजाफा हुआ, ये रिकॉर्ड है मोदी साहब का। और साथ ही साथ कितने फौजी मर गए, कितने सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए और कितने सिविलियन मर गए, और ये आदाद शुमार है। ये कामयाबी है मोदी साहब की या नाकामी है, मुल्क को बताते नहीं, बल्कि उस ढंग से पेश किया जाता है मसाइल को जैसे बड़ी फतह हासिल की है कि फौजी यहाँ मारे जा रहे हैं, CRPF पर्सनल बेचारे जिंदगी खो बैठे हैं, उसको एक अचीवमेंट के तौर पर जैसे पेश किया जा रहा है। मोदी साहब का कारनामा है ये। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब उड़ी का मसला हुआ, टेररिस्ट एक्ट हुआ, तो उस वक़्त भी सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पर कुछ काम किया गया, क्या किया गया क्या नहीं किया गया वो अपनी जगह पर, लेकिन उसके बाद होना चाहिए था कि इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाती, उसके बाद होना चाहिए था वायलेंट एक्टिविटीज़ में कमी आ जाती। रिकॉर्ड क्या बता रहा है? उसके बाद ही तो पुलवामा भी हुआ, लेकिन इसकी सज़ा अपनी नाकामियों की, अपनी नाकरनी की, अपनी जो गलत नीतियों की सज़ा मिलनी चाहिए BJP की क़यादत को, लीडरशिप को, जो पॉलिसी साज हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं। सज़ा मिल रही है आम कश्मीरी जवान को, आम कश्मीरी शहरी को। एक सवाल है हमारा मोदी साहब से या इसके हम जो और लोग हैं इसके साथ, जो चैनल्स पर बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं कई चैनल्स पर, तो उनसे एक ही सवाल है, क्या आपने फैसला कर लिया है कि कश्मीर हिस्सा नहीं है भारत का, कश्मीरी हिस्सा नहीं है इंडियन मेनस्ट्रीम के? तो इन्हें कम से कम हम और कुछ नहीं कहते और कुछ नहीं चाहते मुल्क के आवाम से, जमहूरी कुवतों से यही अपील करना चाहते हैं कि हम भी एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ का कश्मीर का युवा भी वो मरना नहीं चाहता, जैसे किसान खुदकशी नहीं करना चाहता है महाराष्ट्र का या किसी और जगह का, वो एक उसके लिए एक पिकनिक नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पैलेट गन्स का इस्तेमाल और बेतहाशा, फिर अंधे हो जाए हमारी बच्चियाँ और बच्चे, ये उनके लिए एक खुशी का मुकाम नहीं है। वो चाहते हैं बाकी लोगों की तरह उनकी देखभाल हो, उनके मसाइल का हल निकाला जाए, लेकिन ऐसा हुआ। और आज भी देख लीजिए कि कोई मुद्दा, कोई दिन नहीं होता है जबकि कश्मीर को 370 को ख़त्म करो, 35A को ख़त्म करो, जैसे 370 किसी और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, 370 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है, 370 वजूद में आया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसमें सारे सीनियर लीडर्स जिन्होंने हमें रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, अब उसको ख़त्म करना चाहते हैं, वावेला कर रहे हैं। और उसके बाद 35A है क्या? भारत के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, जब यहाँ महाराजा डोगरा हुकूमत थी, जिसको डोगरा हुकूमत कहा जाता है, महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने 1927 में यहाँ के लोगों की मांग को लेकर, उसमें कश्मीरी पंडित सामने थे, डोगरा थे और लोग थे, उन्होंने ये मांग की कि हमसाया पंजाब से लोग आ रहे हैं ज़मीन खरीदने के लिए और यहाँ नौकरियाँ भी नहीं हैं, जो छोटी सी कम सी नौकरियाँ हैं उनमें दखल अंदाजी का, इसलिए बचाव करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया स्टेट सब्जेक्ट का कि बाहर वाला यहाँ ज़मीन ना खरीदें और बाकी रियासतों से यहाँ कोई ये नौकरी ना करे, रियासत के जो ढांचा है। अब ये कानून तो दूसरी जगहों पर भी है, नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए, अभी आप ट्राइबल एरियाज आंध्र प्रदेश में भी देख लीजिए, ये कई किस्म के कवानीन हैं हमारे देश में, आईनी जमानते हैं, लेकिन भला उनको सिर्फ कश्मीर क्यों नज़र आता है? ये इसीलिए क्योंकि कश्मीर को पेश किया जाएगा जैसे मुल्क दुश्मन है,
जैसे पाकिस्तानी हैं। हमें अफसोस होता है कि इतनी गालियां दी जा रही है कश्मीर को, इतनी गालियां दी जा रही है, बल्कि अमलन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों को क्या आज शर्म आती है। और इस वजह से अगर गुस्सा ना हो यहाँ जवानों में, आम लोगों में, फिर होगा क्या? अगर ऐसी बात कहीं और भी हो जाए तो गुस्सा होना ज़रूरी है। दलित उसको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको क्या कुछ नहीं किया, तो अगर वो गुस्सा का इज़हार कर लें, अगर कहीं पर भी किसान लोग गुस्से का इज़हार कर लें जहाँ उन्हें कुछ कहा गया और किया गया कुछ, तो लाजमी तौर पर उस गुस्से की जिम्मेदारी की सबसे, ये मेरे ख्याल में बड़ा पहलू है, वो सरकार की नीतियों का है, सरकार की पॉलिसियों का है। और आज जो चुनाव हो रहे हैं, हम एक ही विनती कर रहे हैं पूरे मुल्क के आवाम से और यहाँ जम्मू कश्मीर के आवाम से, एक काम है हिंदुस्तान की जनता को बचाने का, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाने का, और लोगों की सबसे बढ़कर जनता की एकता को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, वोट कीजिए, और वोट कीजिए बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ।